नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस 2023 में प्रीलिम्स में हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न। यह इसलिए भी आवश्यक है कि अनेक बार अनेक प्रश्न रिपीट होते हैं। पहला देखिए कि पुरातात्विक स्थल है और राज्य है, तो पुरातात्विक स्थल निवासा महाराष्ट्र में स्थित है, पुरातात्विक स्थल ईसमपुर कर्नाटक में स्थित है और गुडियाम गुफा तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि चरक संहिता में 108 खंड हैं और 120 अध्याय हैं। नेक्स्ट देखिए कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है हमें, वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर नेक्स्ट देखिए कि भारत में जो आक्रमणकारी आए तो पहले आए थे यूनानी, उसके बाद आए शक और उसके बाद में आए कुषाण। नेक्स्ट देखिए कि वैदिक कालीन भारत में जो प्रशासन का अधिकारी था भागदू, तो यह राजस्व जमा करने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूरब में स्थित है आलमगीरपुर, जो कि यूपी के मेरठ में है। सबसे पश्चिम में स्थित है सुतकागेंडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में है। सबसे उत्तर में स्थित है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और सबसे दक्षिण में स्थित है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दयाबाई जी ने विनय मल्लिका साहित्य की रचना की है, सहजोबाई जी ने सहज प्रकाश की रचना की है, सोन कुमारी जी ने स्वर्ण बेली की कविता लिखा है और गंगाबाई जी ने गंगाबाई के पद लिखा है और मधुर अली ने गणेश देव लीला साहित्य लिखा है। नेक्स्ट देखिए कि शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और हमीदा बानू बेगम हुमायूं की पत्नी थी। नेक्स्ट देखिए कि मीरात ए सिकंदरी पुस्तक से गुजरात विजय का उल्लेख हुआ है, गुजरात विजय का उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए कि रियाज उस सलातीन में बम्बई का इतिहास उल्लिखित है। नेक्स्ट बुरहान ए मासिर से अहमदनगर का इतिहास उल्लिखित है और रियाज उल इंसा में महमूद गवा के पत्रों का संकलन हुआ है। नेक्स्ट देखिए खरीतादार कौन था, तो खरीतादार मध्यकाल में फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट देखिए कि फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद अजीजुद्दीन खान ने किया था। नाम क्या रखा था इसका, दानियाल ए फिरोज शाही। नेक्स्ट देखिए कि उत्तरवर्ती मराठा शासक थे, तो बालाजी विश्वनाथ, इनका शासनकाल है 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक। फिर देखिए महान शासक बाजीराव प्रथम, इसका देखिए शासनकाल है 1720 से 1740 ईस्वी तक। फिर देखिए बालाजी बाजीराव, इसका शासनकाल है 1740 से 1761 के बीच में। फिर देखिए माधवराव प्रथम का शासनकाल है 1761 से लेकर 1772 तक। फिर नारायण राव, इनका शासनकाल है 1772-1773 के बीच में। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो बैरकपुर में विद्रोह हुआ था 29 मार्च 1857 को, मेरठ में हुआ था 10 मई 1857 को, और 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ होना ये मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 को। फिर देखिए लखनऊ में यह 4 जून को हुआ था और झांसी में जून में हुआ था 1957 में। फिर देखिए कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर जो बम फेंका गया था, तो
तो इसके लिए अनुशीलन समिति जिम्मेदार थी, अनुशीलन समिति जिम्मेदार थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के लिए, और बम फेंका था किसने, रास बिहारी बोस ने, और फेंक के चले गए जापान। नेक्स्ट देखिए कि ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर के संबंध में तीन महत्वपूर्ण बातें याद रखना है। पहला देखिए कि इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। दूसरा कि 1925 में ईवी रामास्वामी नायकर जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी। और तीसरा कि ईवी रामास्वामी नायकर जी ने त्रावणकोर केरल में वायकोम सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। किस लिए, तो नीचे समझे जाने वाली जातियों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए। तो यह था पीसीएस 2023 में प्रीलिम्स में हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न। तो मिलते हैं जल्द अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।